डायलॉग क्या है सुनोगे? हेलो, मेरा कितना भी हालत खराब था लेकिन साला जोश तो कभी खत्म नहीं हुआ। दोस्तों आप सब लोग ईव ऑडिटोरियम में हो, मैट्रेस पे सोते हो, एनर्जी ऐसी होती है क्या मैट्रेस की? तो एक बार जोश और जुनून के साथ नमस्कार करेंगे। नमस्कार, नमस्कार। दोस्तों कितने लोग डिस्ट्रीब्यूटर है, जरा हाथ खड़ा करें। ओके, थैंक यू। और कितने लोग पहली बार गेस्ट है, मतलब अभी तक जुड़े नहीं है? देखो यही प्रॉब्लम है हम कलाकार लोगों की, कि हमने मना किया था कि नए लोगों को लेके आना नहीं है, फिर भी हम तो असरानी का पिक्चर देखा, हम नहीं सुधरेंगे। दोस्तों यहाँ पे नए लोगों को लेके आए कोई दिक्कत नहीं, आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। लेकिन आप नए लोग आए हो तो आपको कुछ ज्यादा समझ में नहीं आएगा, लेकिन ये माहौल देख के समझ में आना चाहिए। और आज ही ईव ऑडिटोरियम स्टार्ट कर लो आप जितने भी नए लोग आए। दोस्तों मेरा नाम धर्मांग पंड्या है, बेसिकली अहमदाबाद से हूँ। और ये 22 महीनों पहले मुझे अपॉर्चुनिटी मिला और मैंने शिद्दत से, ईमानदारी से, लॉयल्टी से बिजनेस को शुरू किया। और जितने भी लोग मेरे भरोसे के ऊपर आए थे, सबसे पहले आए थे योगेश भाई ठक्कर, फिर भरत भाई साधु, फिर दिनेश भाई घड़वी, फिर मुकेश पटेल, राइट, शैलेश भाई पटेल, फिर कौन, योगेश ठक्कर तो है, उर्मिल भाई सोनी, फिर हमारे तेजस भाई पंड्या, ये सब जो बिजनेस में जब भी आए थे तभी एक ही चीज बोला था, सर आप हमें हेल्प करोगे? मैं कहा यस। और एक बार मैंने कमिटमेंट कर दिया, फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता हूं, आज भी हेल्प करता हूं। और ये सभी तमाम लोग करोड़पति हैं, समझ में आ गया आपको? आज भी अगर तेजस भाई बोलते हैं सर मुझे जरूरत है आपकी तो मैं खड़ा रहता हूँ, आज भी उर्मिल भाई बोलते हैं मुझे जरूरत है तो मैं खड़ा रहता हूँ, आज भी दिनेश भाई बोलते हैं मुझे जरूरत है मैं खड़ा रहता हूँ, आज भी योगेश भाई बोलते हैं मुझे जरूरत है मैं चला जाता हूँ। तो दोस्तों आपको यही करना है, जिसको भी अपने भरोसे के ऊपर लेके आए हो उसको आज भी हेल्प में करता हूँ, तो आप भी, आपको भी करना है जब तक आप करोड़पति उनको नहीं बनाते हो। समझ में आ रहा है दोस्तों? हम लेके तो आ जाते हैं लोगों को, बड़े बड़े वादे करके फिर छोड़ देते हैं। ऐसा करना नहीं। आज भी मैं एक ही आईडी पे, मेरा पहला आईडी पे फोकस है, क्योंकि मुझे फर्स्ट आईडी 2 करोड़ पे पहुंचाना है और सिर्फ 1.5 महीना लगेगा। मेरा पहला आईडी अभी अभी 1,80,46,000 पे पहुंच चुका है। सिर्फ मेरे ये 3 दिन की इनकम है 5,00,000 रुपया। मेरा ये महीने का पहला आईडी का इनकम है 14,00,000 रुपया। कई सारे लोग बोले तुम्हारे घर आए अपने को क्या लेना है, ताली नहीं बजा रहा। मैंने मितेश भाई के लिए ताली बैठ के बजाया था तभी आया। दोस्तों ये बिजनेस शुरू किया है, मैं हमेशा बोलता हूँ ई बाउटोरियम में वही बंदा आता है जिसकी राहु की दशा समाप्त हो चुकी होती है और जिसका शनि का पनौती खत्म हो चुका है। तो आप सबका राहु की दशा समाप्त हो चुकी है और शनि की पनौती भी उतर चुकी है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ काम करना है। दोस्तों सागर सर ने जब हमने शुरुआत की थी सिर्फ 3 इनकम थी, अवेयरनेस बोनस, फैमिली बोनस और परफॉर्मेंस बोनस। आज मैं जाने कितने बोनस है मेरे को भी याद नहीं, सागर सर देते ही जा रहे। बोले सर मेरे को अभी, मैं मुंबई गया था सागर सर के पास बैठा था, बोले मैं कहा सर ये महीने की मेरी इनकम है 15-16 लाख रुपए। बोले कुछ नहीं पंड्या साहब, कुछ नहीं। बोले क्यों? बोले 50-50 लाख आएगा महीने। मैं कहा सर इतना पैसा दोगे तो सारा पागल ही हो जाऊंगा मैं। तो सर ये सोच उनकी है। दोस्तों पहली बार ऐसा हुआ जिंदगी में, और जितने भी लोग मेरी टीम में आए हैं और जितने भी लोग नेटवर्क मार्केटिंग करते करते ये कंपनी में जुड़े हैं और ये कंपनी को स्टार्ट किया है, वो सभी लोग यही बोलते हैं
कि नेटवर्क मार्केटिंग इतिहास में पहला ऐसा कंपनी है दोस्तों जिसने सपने पूरा करना शुरू किया है। दोस्तों ये पहला कंपनी है जिसमें हम लोग आईडी खोल के दिखाते हैं। अभी किसी बंदे ने मुझे बोला कि सर आपका 10 दिन का मुझे इनकम स्टेटमेंट भेजो। सूरत से फोन आया, मुझे क्या बोला, 10 दिन का आपका इनकम स्टेटमेंट भेजो। मैं कहा मेरे को लोन नहीं लेना है, कौन है बेवकूफ मेरे से स्टेटमेंट मांगता है। पहले तो मैं दादागिरी से बात करता हूँ, मुझे लोन थोड़ी लेना है, तुम 10 दिन का स्टेटमेंट मेरे से क्यों मांग रहे हो भाई। फिर भी मैंने भेज दिया, बोले सर अच्छा लीडर है ये वो। तो मैं नाराज नहीं करता हूँ मेरी टीम को। मैंने 10 दिन का स्टेटमेंट भेजा तो उसने फोन किया, लीडर से के साथ बैठा था, बोले सर ये तो 33 दिन का है। मैं कहा 33 दिन का नहीं है, 33 बार पैसा आया 10 दिन समझ में आ रहा है। दस दिन में 33 बार अकाउंट में पैसे आए हैं और 10 दिन का इनकम वो देख के पागल हो गया, बोले सर मेरे को स्टार्ट करना। अगर मेरे साथ हो सकता है तो आपके साथ भी हो सकता है दोस्तों। ऐसी जबरदस्त बिजनेस अपॉर्चुनिटी हमें मिली है, इस बिजनेस को कभी छोड़ना नहीं है। ये बिजनेस को सब कभी छोड़ना नहीं है। मेरे साथ बोलो कभी छोड़ना नहीं है। ईमानदारी से रोज 5 1-to-1 करो ईमानदारी से, और अभी ये स्टार्ट हुआ है फील्ड वर्क बोनस आप लेना शुरू करो। और कभी भी आईडी को रोक के मत रखना अगर सक्सेस होना है तो, क्योंकि मेरी टीम में जितने भी लोग हैं सभी लोग सक्सेस हुए हैं, कभी आईडी रोका नहीं है। और थैंक यू वेरी मच, आप सबकी वजह से मैं यहाँ पे हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।